हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है, डिस्चार्ज थ्रू अ स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। मतलब जो स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है उससे डिस्चार्ज अपन कैसे निकालेंगे। इससे पहले भी मैं जो जो ये टॉपिक चल रहा है ऑरिफिस एंड माउथ पीसेस, इसके मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि ऑरिफिस और माउथ पीसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी, उसमें जाके आप सारे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटिव वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो हमारे आपके पास पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस क्या होता है। तो क्या होता है स्मॉल ऑरिफिस, क्या होता है जिसके माध्यम से जो फ्लूइड का फ्लो है औसत वेग से हो सके, जो यहां से कैसे हो सकते, एक एवरेज वेलोसिटी से हो सके। अर्थात इसके सेंटर पर जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है या स्पीड है तथा किनारों पर जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है में ज्यादा अंतर ना हो, इस टाइप का जो होता है वो स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस होता है। या और इसको समझे तो क्या होता है, इफ द हेड ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑरिफिस इज मोर देन 5 times द डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस। मतलब जो हेड होता है इसके ऑरिफिस के सेंटर से ये हेड है, ये मोर देन 5 times कितना होता है डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस। जी, जिस तरह यहाँ पर इसका एक सेक्शन दिखाया है, ये क्या डेप्थ इसका 5 times, मतलब एच इज मोर देन 5D। तो ये होता है स्मॉल ऑरिफिस। अब इसकी अपन फॉर्मूला समझ लेते हैं। ऐसे जैसे मैंने बोला अभी ये लिखा हुआ था, वेलोसिटी इन द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द जेट इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ स्मॉल ऑरिफिस। मतलब उसको कैसा लेके चलते हैं, जो वेलोसिटी है कोई ज्यादा अंतर हो, मतलब कॉन्स्टेंट हो। अब क्या होता है इसका जो डिस्चार्ज निकालते हैं, डिस्चार्ज का अपन फॉर्मूला क्या होता है, वैसे अपन जानते हैं डिस्चार्ज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्या थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है, कोई कॉफिशेंट होता है इसके साथ। तो CD क्या है, डिस्चार्ज कॉफिशेंट है, और ये क्या है थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ये क्या है एरिया। जैसा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, अब एरिया एरिया क्या होगा, ये क्योंकि रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का एरिया अपन जानते हैं कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू डेप्थ। जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑरिफिस, क्योंकि रेक्टेंगुलर की बात कर रहा, तो उसका जो एरिया हो जाएगा बी इंटू डी, विड्थ इंटू डेप्थ। एच क्या हो जाएगी, हाइट है, जो हेड बोलते हैं इसको, हाइट ऑफ लिक्विड अबव द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस, इस सेंटर से जो भी गिवन होगी न्यूमेरिकल्स में। बी क्या, विड्थ ऑफ द ऑरिफिस, ये विड्थ हो गई, डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। CD का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द ऑरिफिस, या तो ये गिवन रहेगा, या जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ किसके बीच में इसकी रेंज रहती है। ये था इसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन डिस्चार्ज निकाल सकते हैं स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस में। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है, क्योंकि ये 2 types के होते हैं, तो ये क्या है, डिस्चार्ज थ्रू लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। जो लार्ज वो था स्मॉल, ये क्या लार्ज, तो क्या लिखा, एन ऑरिफिस इज नोन एज लार्ज ऑरिफिस इफ द हेड ऑफ लिक्विड अबव द सेंटर ऑफ ऑरिफिस इज लेस देन 5 times द डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस। जो हमने अभी बताया था, इस डायग्राम से बताता हूँ मैं इसको। ये जो डेप्थ है सेंटर से यहां तक की, एच दिख रहा है, ये क्या लेस देन, मतलब एच लेस देन 5 times d रहती है ऑरिफिस के डेप्थ से। इसकी थ्योरी में समझा रहा था, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके डायग्राम से आगे अपन बढ़ते हैं। जैसे लिखा था, हेड ऑफ लिक्विड अबव द सेंटर ऑफ ऑरिफिस इज लेस देन 5 times द डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस। इन केस ऑफ लार्ज ऑरिफिस द वेलोसिटी ऑफ द जेट इज नॉट कॉन्स्टेंट ओवर द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द, इसमें कांस्टेंट नहीं रहती है। कांस्टेंट क्या करते हैं अपन, बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है, जो बिग या लार्ज इलेक्ट्रॉन ऑरिफिस होता है, जिसमें क्या होता है, ऊपरी तथा निचले किनारों पर मॉलिक्यूल्स की स्पीड में बहुत अधिक अंतर ना हो, इस दशा में फ्लूइड की स्पीड ऑरिफिस की अलग अलग ऊंचाइयों पर ज्ञात करनी पड़ती है ना, क्योंकि तो इसमें कॉन्स्टेंट नहीं रहती, तो इससे ज्यादा अंतर ना हो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो ऑरिफिस होता है कि ऊपरी और निचले किनारों पर जो अधिक अंतर ना हो, इसकी दशा में क्या करते हैं, फ्लूइड की गति ऑरिफिस की अलग अलग ऊंचाइयों पर ज्ञात करनी पड़ती है। तो
अब क्या होता है यहाँ पर, क्या कंसिडर अ टैंक हैविंग अ लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस डिस्चार्जिंग फ्रीली अंडर अ कांस्टेंट हेड। ठीक है, एच का हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द अपर एज ऑफ द ऑरिफिस, एच टू हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द लोअर एज। अब डायग्राम से इसको अपन एक्सप्लेन कर देते हैं और पूरा फॉर्मूला निकाल के दिखाते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें दिख रहा है कि अलग अलग ऊंचाइयों को, जैसे मैंने बताया था ऊंचाइयों करके इससे, अब जी के एच वन के अपर एज से जो है ना इसका ऑरिफिस का, वहां से एच वन डिस्टेंस मानी सरफेस तक की, एच टू क्या लोअर एज से, डी क्या है इसकी डेप्थ है, बी क्या विड्थ है, एच क्या हेड है जो कि अपर एज से इसके सेंटर तक की दूरी, जैसे यहाँ लिखा है डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस। अब जो डी है इनके बीच की दूरी, क्योंकि यहां से दिख रहा है आपको यहां से यहां तक की एच टू है और यहां से यहां तक की एच वन, तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच टू माइनस एच वन, है ना, ये इतनी दूरी निकालना है, तो ये पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी घटा देंगे तो हमारी इतनी दूरी आ जाएगी, तो डी इक्वल टू हो जाएगा एच टू माइनस एच वन जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। बी के ब्रेथ ऑफ द ऑरिफिस और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी। अब कंसिडर एन एलिमेंट्री, अपन से क्या छोटी स्टेप के लिए निकालेंगे फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे और इससे अपना कंप्लीट पूरे के निकल आएगा। जैसे यहाँ का लिखा कंसिडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ थिकनेस, क्या इसकी ऐसा माना कि एक छोटी सी स्ट्रिप है इसमें ऑरिफिस में, जिसमें डी डी एच क्या माना उसकी थिकनेस एट अ डेप्थ एच बिलो द फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, अब क्या है इसलिए डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला वही होता है जो अपन जानते हैं, क्योंकि स्मॉल के लिए बात कर रहे थे, तो डी लगा दिया इसमें, डी क्यू इक्वल टू सी डी एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या है, एरिया अपन जानते हैं बी विड्थ है इसकी, देख लो ये जो एलिमेंट्री मारी, और डी क्या डेप्थ मानी छोटे की, है ना, क्योंकि जो स्ट्रिप मानी इसकी ये तो विड्थ तो यहाँ भी इसकी यही होगी, लेकिन ये डेप्थ अपन ने इसकी डी एच मानी, तो बी इंटू डी एच ये इतना क्या हो गया एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप। और वेलोसिटी ऑफ थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होता है, रूट के अंदर टू जी एच, सी डी लग जाता है एक्चुअल वेलोसिटी, रूट के अंदर टू जी एच क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इसलिए टोटल डिस्चार्ज थ्रू द ऑरिफिस ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन इक्वेशन वन, ये वाली इक्वेशन को इंटीग्रेशन करें जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये डी क्यू स्मॉल के लिए निकालना है अपना, कंप्लीट पूरी स्ट्रिप के लिए निकालना, तो इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से एच वन इतने के लिए, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन बिटवीन लिमिट्स एच वन एंड एच टू, है ना, जैसा मैंने बताया था डेफिनेशन में क्या करते हैं, तो अलग अलग ऊंचाइयों पे दोनों पे अलग अलग निकालते हैं, इससे ज्यादा अंतर ना हो। अब जैसे इंटीग्रेशन कर दिया इसका, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पर दिख रहा है एच वन से एच टू क्या हो गई, ये लिमिट एच वन और एच टू, ये पूरा वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी, सी डी बी इंटू डी एच रूट के अंदर टू जी एच। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल लिए और जो कॉन्स्टेंट नहीं है उसको अंदर कर लिए। अब क्या है, क्योंकि अपन डी एच के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो सी डी क्या कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, बी क्या कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर टू जी बाहर निकाल लिया, अब एच क्या है रूट के अंदर ही रहेगा तो वो उसको एच रख दिया। अब वन बाई टू कहाँ से आया तो कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि एच की पावर वन बाई टू या रूट के अंदर एच एक ही बात होती है, इसलिए रूट हटा के इसका ए एच का रूट हटा के यहाँ पर एच की पावर वन बाई टू लिख दिया, उसका मतलब होता है एच रूट, है ना, तो ये कॉन्स्टेंट थे इसको बाहर निकाल लिया। अब इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हम जानते हैं कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जो ऊपर की वन बाई टू वैल्यू रहती है जो पावर रहती है उसमें प्लस वन करके जो वैल्यू होगी उसको नीचे ही, उसको नीचे लिख देते हैं एच के बटे या एक्स के बटे जब एक्स होता, तो यहाँ क्या हो जाएगा एच की पावर वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन, तो वन अपॉन टू प्लस वन सॉल्व करेंगे तो वन, तो क्या हो जाएगा टू प्लस वन थ्री बाय टू, एच की पावर थ्री बाय टू हो जाएगी और जो थ्री बाय टू ऊपर है वो ही नीचे आ जाएगा, थ्री बाय टू नीचे आ जाएगा, इस तरह इसका इंटीग्रेशन कर लिया। याद रहा है इसकी पावर में प्लस वन जोड़ देते हैं और जो जो ऊपर पावर बन जाती है वन बाय टू प्लस वन उसको एच के नीचे लिखते हैं, तो ये इंटीग्रेशन की रूल है मैथमेटिक्स से, तो ये नीचे इस तरह लिख दिया, ये इंटीग्रेशन हो गया। एच वन एच टू क्या लिमिट्स हैं, अब ये बाहर है जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर ही रहने, अब इसको खोल देंगे तो यहाँ एच टू हो जाएगा और एच वन हो जाएगा। ठीक है, एच अब ये क्या किया उसने, ये जो इसको कहा है ये क्योंकि नीचे है तो थ्री बाय टू हो गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व, अब यहाँ पर इसने क्या किया, एक गलती कर दी है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर टू बाय थ्री होगा, याद रखें ये थ्री बाय टू गलत है, यहाँ पर होगा टू बाय थ्री। फ्रेंड्स सही करेक्ट कर लें आप, क्या लिखेंगे यहाँ पर टू बाय थ्री, है ना, टू बाय थ्री हो जाएगा यहाँ पर, थ्री बाय टू की जगह टू बाय थ्री, सी डी बी रूट के अंदर टू जी, एच की पावर थ्री बाय टू और एच टू बाय एच वन, है क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो टू ऊपर पहुंच जाएगा और थ्री नीचे हो जाएगा, तो इस तरह यहाँ पर फिर इसको क्या करेंगे जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एच टू थ्री बाय टू माइनस एच वन थ्री बाय टू। जी यहाँ पर इसको गलत है, तो इस जो इतनी वैल्यू है इसको क्या लिखना है, सिर्फ ओनली थ्री बाय टू को क्या लिखना, टू बाय थ्री दो बटे तीन लिख लें यहाँ पर, इस तरह ये हमारा
एक फॉर्मूला बन जाता है जिससे अपन डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। कहाँ से? लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस से। फ्रेंड्स याद रखें, ये H2 क्या है, H1 क्या है, डायग्राम से देख लें। CD क्या कॉएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, B क्या है इसकी विड्थ है, और G क्या ग्रेविटी 9.81 इसकी वैल्यू होती है, H2 क्या है ये हाइट होती है अपर सरफेस से जो ऑरिफिस की लोअर सरफेस तक की या नीचे वाले किनारे तक की, H1 क्या है ऊपर वाले किनारे से जो सरफेस तक की दूरी जहाँ जहाँ तक वाटर भरा हुआ है। इस तरह इन सारी की वैल्यू वैल्यू जब निकल आएंगी तो अपन इसमें रख के इसका डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पर इस वैल्यू को एक बार और याद रखना है, इसको लिखना 2/3, क्योंकि जो रॉन्ग है उसको हम बार बार बताने की कोशिश करते हैं इससे कि आप गलत ना हो जाए, यहाँ 2/3 लिख लें। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को भी बताएं और हमारे आने वाले वीडियो देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ जो कि आपका सिलेबस कवर हो और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये थ्योरी टाइप की रहती है, उसको आप नोट कर लें, नोट्स बना लें। थैंक यू फ्रेंड्स।